फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने रूम के अंदर दोनों रूम और बाथरूम को अटैच करके एक डक जो बनाई थी सेंट्रलाइज, वो किस तरह से वर्क कर रही, उसकी आज सेकंड वीडियो पे अपन बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे और देखिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, अपन ने इसके अंदर बाहर की तरफ में एक एग्जॉज लगाया है। पाइप आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से नीचे आया है, नीचे से अंदर की तरफ बाथरूम में गया है। ये बाथरूम के अंदर अपन आए हैं, बाथरूम का भी एक फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन की वायरिंग जा रही है। फ़ैन की वायरिंग भी अपन ने छोटी वाली यूज़ करी और उधर की जो वायरिंग है इस छेद में से आ रही है, और साइड में अपन ने इसमें कंक्रीट लगाया, वायरिंग जाली से पीछे होते हुए इस बोर्ड के अंदर आ रही है। जैसे ही अपन बोर्ड के बटन को प्रेस करते हैं तो ये फ़ैन दोनों की दोनों चालू हो जाते हैं। ये फ़ैन चल रहा है, इस पर हाथ लगाएंगे तो इसका आप मतलब लगेगा कि हाँ यार ये चल रहा है, मतलब खींचता है ये, मतलब वैक्यूम करता है ये। तो ये आपने दोनों का साउंड सुना, साउंड भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पता ही नहीं चलता जब लगने के बाद, चालू करने के बाद में कि साउंड कैसा है। और ये इधर से बाहर की तरफ में इसका जो भी गर्मी है ये बाहर निकाल देता है पीछे की तरफ में, बैक साइड में। ये फ़ैन चल रहा है, फ़ैन चलता है तो कोई आवाज़ नहीं आती है। सिल्वर कलर की एक डक्ट आती है, उसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, उसका साउंड बहुत आता है। फ्रेंड्स, तो आपने देखा किस तरह से ये वेंटिलेशन डक्ट बन के कम्प्लीट हुई। कम्प्लीट ये पहले हो गई थी, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने इसका जो वर्किंग है वो भी मॉडल डाला है। अब इसकी जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं, पीवीसी की ही चीज़ें मैंने यूज़ की है, पीवीसी की बढ़िया रहेगी। और डक्ट वाली पन्नी आती है सिल्वर कलर की, तो उसके अंदर क्या वो खड़खड़ खड़खड़ बहुत करती है, जब अपन उसमें से वेयर निकलती है ना तो वाइब्रेशन होती है। और लेकिन जब अपन पीवीसी के पाइप यूज़ करते हैं ना तो इसमें से कुछ भी नहीं होता है, तो मेरे को ये ज़्यादा बेस्ट लगा। और आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने अभी नए नए शॉर्ट्स डालना चालू करे तो शॉर्ट्स ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।